शहर कांग्रेस में नहीं थम रहा बवाल, सात नेताओं ने एक साथ पार्टी से दिया इस्तीफा, पवन बंसल पर लगाए आरोप। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित दक्षिण हरियाणा के लोगों को राहत, अब मिलेगा यमुना का साफ व स्वच्छ पानी। चीन का छक्का छुड़ाने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, तोड़ा बोलिविया का रिकॉर्ड। मोदी सरकार का बड़ा दाव, अब राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार, कैबिनेट ने बिल पर लगाई मोहर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, आयुष्मान भारत के तहत बच्चों को 5 लाख तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों के बढ़ते जल स्तर से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे जिला प्रशासन भी अलर्ट है। आज यमुना और बेतवा नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डीएम और एसपी ने दोनों नदियों के घाटों का जायजा लिया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट मूड में रहने का भी आदेश दिया है। यमुना और बेतवा नदियों के बड़े जल स्तर से कई दर्जनों गांव प्रभावित होते हैं। फिलहाल अभी दोनों नदियां खतरे के निशान पर नहीं पहुंची हैं। गेट अब सही हो गया सर, सील करने के लिए करते थे, गेट सही है। पर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज नगर पंचायत के धानी चौराहे पर स्थित सिद्धि विनायक ज्वेलर प्रोपराइटर संजय वर्मा के यहाँ पल्सर मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने अचानक घर में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी, जिसमें आसपास के लोगों ने साहस का परिचय देते हुए लुटेरों को दौड़ा लिया, जिसमें एक लुटेरे को पल्सर गाड़ी के साथ धर दबोचा और वहीं एक लुटेरा चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस कप्तान प्रदीप गुप्ता ने बताया पकड़े गए अभियुक्त को विधिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है, जिसके पास से सोने के कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। अन्य घटना में अंजाम दिए अभियुक्तों की तलाश जारी है। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर में सदर एसटीएम और सीओ ने अंग्रेजी बियर, देशी शराब की दुकानों में रूटीन चेकिंग की है। दुकानों के स्टाफ रजिस्ट्रार को अधिकारियों ने चेक किया है। दुकानों में चेकिंग के चलते शराब दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम ने बताया 4 अगस्त से 6 अगस्त तक शासन के निर्देश पर की जानी है जिले के सभी दुकानों की चेकिंग। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा में नवजात बच्चों को फेंक कर हत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जनपद के रामपुर का है, जहां एक कलंकित मां अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए उसे नहर में फेंक कर उसकी हत्या कर फरार हो गई। जबकि हमारे देश में जन्म देने वाली मां का दर्जा हमेशा ऊंचा माना जाता है, वही जन्म देने वाली मां ही जब हत्यारिन बन जाए तो उसे कुमाता क्यों न कहा जाए। लेकिन देश में ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने निर्दयी मां को फांसी की सजा की मांग की है। वहीं ये पूरी घटना जनपद एटा के राजा का राजपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है। अब सवाल ये है कि कानून के लंबे हाथ इस मासूम की हत्यारन मां के गिरेबान तक पहुंच पाएंगे या नहीं, या फिर थाने के दफ्तर में ही इन कलंकित माँ बाप की जुर्म की कहानी इन फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगी। जी, यहाँ पे एक नवजात बच्चे को किसी ने पानी में फेंक दिया गया है नहर में जी। और जिसकी के वो बताया जा रहा है कि शायद वो लड़का है, और मतलब अपनी कालिक पहुँचने के लिए, अपने काले जितने भी कर्म है उन सबको मतलब ढांकने के लिए, ढकने के लिए उस बच्चों को ऐसे नदी में फेंक दिया गया है जी। और शायद वो बताया जा रहा है कि वो लड़का है, जो नवजात बच्चा है, हाल ही जन्मा बच्चा है, इसने ऐसा कृत किया है। अभी इसकी तो पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन है, लेकिन वो कोई लड़की है या माँ है जिसने भी फेंका है, उसने बिल्कुल माँ बेटे के रिश्ते ममता का बिल्कुल कतई घोर अन्याय किया है। ये अलीगंज सर्किल में थाना राजारामपुर पड़ता है, और इसमें एक नहर निकलती है, नहर में इसमें खूब पानी चल रहा है। तो ग्रामीणों ने देखा होगा कि एक नवजात शिशु का शव बहता हुआ जा रहा था, उस पर पुलिस को खबर की, तत्काल मौके पर एसओ राजारामपुर पहुंचे और उन्होंने उसको बच्चे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वर्तमान में इसकी जाँच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की। है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज थाना टूटी बारी, पुलिस एसडीएम निचलौल व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर टूटी बारी थाना क्षेत्र के जमुई कला में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाएं, इंजेक्शन, नशीले सिरप तथा मूल्य बढ़ाकर बिक्री करने वाले प्रिंटेड लेबल व
रैपर की बरामदगी हुई है। मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान प्रदीप गुप्ता ने बताया कि स्थानीय थाना क्षेत्र के जमुई कला गांव में गोविंद प्रसाद गुप्ता पुत्र भोली प्रसाद गुप्ता अपने भाई के साथ मिलकर अवैध नशीली दवाओं का धंधा करते हैं तथा उनके मकान में भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाओं का भंडारा है। वहीं नशा करने के आदि महिला व पुरुष उनके घर आकर नशीले इंजेक्शन टैबलेट लेते हैं। SDM निचलौल के नेतृत्व में रमेश गुप्ता के घर की तलाशी ली गयी तो लाखों की संख्या में विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। थाना सुखीवारी पुलिस यहां के FDM और जो SSB की टीम है इनकी संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जमुई में एक रमेश कुमार गुप्ता नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है। इसके मकान और गोदाम से भारी मात्रा में नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक ड्रग है ये बरामद हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन हैं जो करीब 25,000 हैं, नशीले सिरप की सीटी हैं जो लगभग 2,00,000 हैं, कैप्सूल 31,00,000 के आसपास हैं, टैबलेट और इसके अलावा लेबल रैपर मिले हैं जो ये लोग खुद भी लगाते इनकी सप्लाई करते थे। इसमें एक अभियुक्त गोविंद गुप्ता है, वो मौके से फरार हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। इनके विरुद्ध विभिन्न अधिनियम NDPS में औषधि एवं प्रशासन सामग्री एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इसके अलावा ITC की धारा 419, 420, 467, 468, 471 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। तो सर प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी गई हैं, बरामद हुई हैं, वो कितने अमाउंट की हैं और कैसे इनका नेटवर्क चलता था? ये लगभग जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कैलकुलेट किया गया है वो 686 करोड़ रुपये आंका गया है। और ये कंपनी से सीधे पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया है कि ये सप्लाई लेते थे स्थानीय मेडिकल स्टोर एवं इसके अलावा नेपाल भी ये भेजने का काम करते थे। पूछताछ में और खुलासे अभी पूछताछ चल रही है, टीम बनाई गई है जो डिटेल इनसे पूछताछ कर रही है और भी खुलासे होंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।